एवरीबॉडी, आज मैं आपके सामने आपकी होस्ट व्लॉग लेकर आई हूँ कॉस्मेटिक्स का। और इस पे मैं आपको कुछ कॉस्मेटिक्स के बारे में बताऊंगी। जैसा कि हम तमाम लड़कियां और ख्वातीन अपनी इनकम का एक ह्यूज पार्ट कॉस्मेटिक्स पर स्पेंड करती हैं, हमारी स्पेंडिंग्स बहुत सी कॉस्मेटिक्स पर होती हैं। और हम लोग जब कॉस्मेटिक्स परचेज कर रहे होते हैं तब हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या चीज़ लें और क्या नहीं लें। जब हम स्टोर्स पे जाते हैं हमारे पास बहुत मिनिमम टाइम होता है, लेकिन कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि मैं समझ नहीं आ रहा होता कि क्या चीज़ हम सिलेक्ट करें। तो मेरे व्लॉग बनाने का बेसिक पर्पज़ भी यही है कि मैं आप लोगों को अवेयरनेस दे सकूं जिस हद तक मुझे है कि आप लोग कौन सी प्रोडक्ट्स यूज़ करें और कौन सी ना करें, कौन सी आपकी स्किन के लिए सूटेबल है और कौन सी आपकी स्किन के लिए सूटेबल नहीं है। तो बहुत सी प्रोडक्ट्स मैंने भी यूज़ की, बल्कि बहुत से अरसा मैं करती रही जो कि उन ममालिक के लिए बनाई जाती थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है और जहाँ पर उनका कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा वाइट है, और वो लोग वो प्रोडक्ट्स स्पेशली उनके लिए बनाई गई हैं। और जब हम लोग वो प्रोडक्ट्स यहाँ पर एक भारी कीमत में परचेज करते हैं और उसके बाद अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तो हमें वो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, और उसके बाद हम इतने डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि हमारा कुछ लेने को दिल ही नहीं करता है और हम पैसे भी अपने ख़राब कर देते हैं और हमें मतलूबा चीज़ भी नहीं मिलती है। तो मैंने भी इस चीज़ को बारे में सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स को सर्च किया जाए, उन पर रिसर्च की जाए जो कि बिल्कुल हमारे खित्ते के लिए, सब कॉन्टिनेंट के लिए, इंडो पाक के लिए, हमारे जनूबी एशिया के लोगों के लिए एक बनाई गई हैं। तो बहुत सारा रिसर्च करने के बाद और सर्च करने के बाद मुझे पता चला और मैंने एक प्रोडक्ट देखी है जो कि मुझे लगा, क्योंकि मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, मैंने इसको सिर्फ अभी मंगवाया है और मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि इसको जो रिसर्च करने पे मुझे कुछ चीज़ें पता चली हैं जो कि ये टोटली उन लोगों के लिए बनाई गई है जो कि इस खित्ते में रहते हैं और उनकी स्किन जो है वो टोटली और ऑल टुगेदर चेंज है उन लोगों की निस्बत जो मगरबी ममालिक में हैं। तो ये मेरी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मंगवाया है www.vincecure.com से, और ये आज ही ब्रश करता है। इस पर इसके लगाने का एक फ़ायदा ये है कि आपको मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बहरहाल ये अभी मैंने ट्राई नहीं किया है, अभी सिर्फ मैंने इसको अनपैक किया है बॉक्स को, तो जब मैं ट्राई करूँगी तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद मैं एक रिव्यू लेकर आऊँगी। ट्राई करने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि इनका रिज़ल्ट कैसा रहा है। और अगर मैं इसको खोल के आपको दिखाऊं और इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से है। पैकिंग बहुत अच्छी है, मेडिकेटेड टाइप पैकिंग है और SPF 50 है। SPF 50 आई थिंक सफिशेंट है हमारे लोगों के लिए, क्योंकि जो SPF 50 से बढ़ जाते हैं उसकी ये लग रहा है। देखिए आपको पहले मैं लगा के दिखाती हूँ कि किस तरह से है। ये देखिए इसकी बहुत ही अच्छा टेक्सचर है, लगाने भी पता चल रहा है कि ग्रीसी नहीं है ज़्यादा, स्किन पर बहुत ज़्यादा अच्छी तरह अब्जॉर्ब हो गया है और खूबसूरत लग रहा है। और इसकी एक और बात भी ये है कि इसके लगाने से ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन वाइटिश नहीं होता है, एक आपको वाइट वाइट लुक्स नहीं आती है, लेकिन स्किन इक्वल हो जाती है, टोन आपकी इक्वल हो जाती है और बहुत प्यारा लगता है। ये देखें आप लोगों को नज़र आ रहा होगा इसकी पैकिंग कुछ अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह से है। आप बिल्कुल करीब से देख लें, क्योंकि अगर आप लोग परचेज करने का इरादा कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी पैकिंग इस तरह से है। और कितने ml की पैकिंग है ये मैं आपको बताती हूँ। ये 50 ml की पैकिंग है, नॉट 50 आई थिंक, बट इट इज़ द 80 ml पैक में है ये, और तकरीबन ये आपका कुछ अर्सा निकाल सकता है। सेकेंड प्रोडक्ट ही वेंसे की मैंने मंगवाई है जो के ये है हमारे पास। इसके ऊपर अगर पढ़ूँ तो मुझे सही तरह से नज़र नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। जी इस पर वेंसी एक्स्ट्रा लाइटनिंग सीरम है। इसको भी इसके भी बारे में उनका जो क्लेम है बहुत ज़बरदस्त है कि अगर आप इसको लगाते हैं तो आपकी स्किन टोन को लाइटर करता है, खूबसूरत करता है, इक्वल करता है, और अगर अपने फेस पे इसको अप्लाई करते हैं सुबह शाम तो ये बहुत खूबसूरत रिजल्ट देता है और आपके जो जितना भी आपकी स्किन में इम्प्योरिटीज़ हैं और आपकी स्किन ख़राब हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, तो वो इसको रिपेयर करता है। बहरहाल ये चीज़ें जो थी मुझे सेटिस्फैक्ट्री लगी तो मैंने इसको मंगवाया, इनकी साइट से मैंने मंगवाया है, बट बाकी इस्तेमाल करने में पता चलेगा, क्योंकि कोई हतमी आपको मैं इसका नहीं बता सकती, क्योंकि मशवरा एक बहुत बड़ी अमानत होती है। और मैं यही चाहूंगी कि मैं इसको लगाने के बाद
एक महीना लगाने के बाद मैं आपको प्रॉपर बताऊं कि इसके प्रोडक्ट्स की क्या रिजल्ट्स हैं। ये देखें, ये हो गया है इस तरह से। अगली प्रोडक्ट के बारे में अब मैं आपको बताती चलूं। अगली प्रोडक्ट के बारे में वेंसी की जो मैंने मंगवाई है, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़बरदस्त लग रही है मुझे और देखने में बहुत बेहतरीन चीज़ है, जैसे कि समझ आ रही है कि अच्छे रिजल्ट्स होंगे इसके। बाकी खुदा बेहतर जानता है कि एक माह के बाद क्या रिजल्ट होंगे। हाँ जी, अगली प्रोडक्ट मेरे पास जो है वो है टोनर। टोनर विंसी का है, बहुत टोनर एक इसेंशियल है आपके नाइट केयर में, और जिनको ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है, इक्वल स्किन नहीं है, रफ स्किन है और उनको फील हो रहा है कि फाइन लाइंस का प्रॉब्लम है, कुछ भी भरल स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि वो टोनर को ज़रूर यूज़ करें। क्लिनजिंग के बाद आप इसको यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। कॉटन बॉल से आप इसको या कॉटन पैड से क्लिनजिंग करने के बाद आप फेस वॉश करें, उसके बाद लाइट्स आप टोनर से टच दें और उसके बाद कोई सी भी नाइट क्रीम आप इसके ऊपर अप्लाई कर लें, तो आपकी स्किन सुबह उठेंगे तो इक्वल टोन में लगेगी और बहुत खूबसूरत लग रही होगी, बहुत हेल्दी लगेगी। जी हाँ जी, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है मेरे पास जनाब क्लिनजिंग मिल्क। अभी क्लिनजिंग मिल्क की बात हो रही थी और मैं क्लिनजिंग मिल्क आपको बता रही हूँ। क्लिनजिंग मिल्क है, ये भी वेंसे का ही है और इसकी जो है क्वांटिटी है वो है 160 ml, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। एक इंसान अगर इसको यूज़ करे प्रॉपर तो तकरीबन वो 1.5 से 2 माह इजीली यूज़ कर सकता है, और इसकी जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। एक आम इंसान, एक मिडिल क्लास, एक जॉबियन इसको अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि जितनी और प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और जब उनको यूज़ कर रहे होते हैं तो आप यकीन करें कि एक हमारी जो इनकम का एक ह्यूज हिस्सा उस पर हो जाता है सर्व। तो मुझे ये प्रोडक्ट इसलिए भी अच्छी लगी कि इकोनॉमिकल है किसी हद तक और अच्छी भी है। तो ये रहा वेंसे का क्लिनजर। इनकी प्राइसेस मैं सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं, और जो किसको परचेज करना चाहता है वो भी इसको देख ले। अगर आप फर्दर इसको कुछ मजीद इस पर मैं रिसर्च चाहते हैं तो मैं एक महीने के बाद इसको मजीद अपलोड कर दूंगी। अगली चीज़ जो हमारी बड़ी ज़बरदस्त है जनाब जी, ये है नाइट क्रीम। नाइट क्रीम आपकी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। नाइट क्रीम अगर आप लगाते हैं तो नाइट क्रीम लगाने से ये फ़ायदा होता है कि आपकी स्किन बहुत खूबसूरत रहती है, आपकी जो एंटी एजिंग के है, आपकी जो एजिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करती है, और ये दिन को आप उठते हैं, अपना मूड होते हैं, उसके बाद आप अपना मेकअप अप्लाई करते हैं तो उसका बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है मेकअप का, और आपकी स्किन इक्वल रहती है और बहुत ज़्यादा नरिश रहती है। तो मेरा आप लोगों के साथ ये मशवरा है कि आप लोग जो है नाइट क्रीम को अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना लें, क्योंकि मैं बहुत सी मैंने नाइट क्रीम्स यूज़ की हैं, जैसे लॉरियल की भी मैंने यूज़ की है, मैंने जेंसन की भी की है, मैंने बहुत सी नाइट क्रीम्स यूज़ की हैं, बॉडी शॉप की भी की है। अब मैंने विंसी ट्राई कर रही हूँ और ये मैं आपको राइट एक माह के बाद इसका बेहतरीन आपको रिव्यू दूंगी कि ये प्रोडक्ट्स कैसी रही हैं। बरा सभी फ़िलहाल तो ये इंट्रोडक्टरी एक प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि मैंने खुद ऑनलाइन मंगवाई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे शेयर कर ली जाए। तो इसकी कंसिस्टेंसी भी बेस्ट है क्योंकि इतनी अच्छी ब्रांड्स ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, तो कंपैरेटिवली मुझे उनमें और इनमें कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। जी हाँ जी, और हमारी अगली और लास्ट प्रोडक्ट जो कि है बहुत ही ज़बरदस्त, वो है हमारी अगली प्रोडक्ट रेडियंस पीलिंग मोज़ेक। जी हाँ जी, रेडियंस पीलिंग मोज़ेक, ये जस्ट लाइक ए स्क्रब की तरह है। आपको इस पे स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप हफ्ते में 2 मरतबा इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद रिजल्ट्स बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन होते हैं, इतने बेहतरीन होते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। जो रिसर्च इस पे मैंने की है उसका कंक्लूजन यही है, बाकी मैं आपको इस पर मज़ीद रिसर्च करके बताऊँगी कि ये प्रोडक्ट्स कैसी हैं और किस तरह से हैं, और इनकी क्वांटिटी बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छी है, और इनका जो पैकिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है, और इनके जो क्लेम्स ऊपर हैं वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं इस खत्ते के लोगों से। ये देखिए, अप्लाई करके आपको ये बताती हूँ, ये इस तरह से वीडियो में मेरी कोशिश यही है कि आपको क्लियर नज़र आए, ये क्लियर ही नज़र आ रहा है। इसको रब करना है आपने 20 मिनट्स तक, और उसके बाद आपने फेस वॉश कर लेना है
और फेस वॉश करने के बाद आप इसके ऊपर अपना मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, सन ब्लॉक लगा सकते हैं, रात को कर रहे हैं तो आप कोई नाइट क्रीम टोनर सब कुछ लगा सकते हैं। सो इस तरह से ये तो मेरी आज की प्रोडक्ट्स थी। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आई हुई होंगी ये मेरी प्रोडक्ट्स, क्योंकि मैंने खुद मंगवाई थी ऑनलाइन और मैं चाह रही थी कि आप लोगों के साथ में इसको शेयर करूँ। तो ये देखें, इस तरह से रब करना है आपने इसको, लाइट से बिल्कुल टिप्स के साथ करना है। तो इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, देखें। हाँ राइट जी व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये प्रोडक्ट्स का रिव्यू पसंद आया होगा। जो कोई भी इंटरेस्टेड है, जो खवातीन भी इंटरेस्टेड हैं बहुत इकोनॉमिकल वे में, कि वो इकोनॉमिकल के प्रोडक्ट्स ले सकें, जो अपनी सैलरी में से कुछ अमाउंट इन पे ऐसी चीज़ पे लगाएं जो उनके लिए यूजफुल हो, तो विंसे आई थिंक के फिलहाल तक के लिए मुझे अच्छा ब्रांड लगा है। नेक्स्ट मैं आपको एक मंथ के बाद ज़रूर बताऊंगी कि इसके क्या रिजल्ट्स हैं। तो मज़ीद मेरी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।